आज की हमारी इस क्लास में आज आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेस डेटाबेस। और इस एक्सेस डेटाबेस की हमारी दूसरी क्लास है, टेबल क्रिएट हम कैसे करते हैं, हम आज उसी चीज को विस्तार से जाने। कल हमने आपको जस्ट एक सिंपल ओवरव्यू दिया था, आज थोड़ा विस्तार से बताएं। सबसे पहले हम डिजाइन कर लेंगे कि आखिर हमें टेबल चाहिए कैसे। अब हेलो। हाँ जी सर, नेट काफी स्लो खराब चल रहा है आज, दिक्कत है। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद यस कीजिएगा तो आपसे आपका नाम पूछेगा, नाम दे दीजिए यहाँ से। तो आप टेबल ऐसे भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन हम टेबल को डिजाइन करने के लिए हम अच्छा समझते हैं कि हम डिजाइन व्यू में जाए, क्योंकि डिजाइन व्यू में हमें प्रॉपर्टी सेट करने का मिलता है, आवाज की ये मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो लेन देन सैलरी है, किसी चीज आपको दिख रहा होगा, इसकी प्रॉपर्टी सेट करने का ऑप्शंस मिलते हैं। तो इसमें डिस्क्रिप्शंस और बहुत सारे टेम्पलेट्स के बारे में बात। अब एक चीज और भी है कि मैं इसमें यहाँ डिपार्टमेंट ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास ऑलरेडी टाइम टेबल है जिसमें हमने कल डिस्कस किया था, उसी पे मैं डिपार्टमेंट को ऐड करना चाहता हूँ। इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद उसका राइट सर, और यहां पे हमें देता हूं डिपार्टमेंट। एक ही होल की जगह एक बच्चा परेशान कर रहा है तो बस बता देता हूँ क्लास में। तो डिपार्टमेंट हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। दिक्कत क्या है कि मेरे पास तीन डिपार्टमेंट है, चार है या पांच है, अच्छा लिस्ट है हमारे। मैं चाहता हूँ कि उसी डिपार्टमेंट को चूज कर सके, सिंपल सा ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं।
यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ लेंगे फिर लुकअप डिजाइन। सबसे लास्ट है क्योंकि हमने कल कैलकुलेटर पढ़ा था, हम बात कर रहे हैं लुकअप डिजाइन। जैसे ही आएगा पॉपअप आएगा, इसमें दो चीजें है, आई वांट टू लुकअप फिर गेट द वैल्यू फॉर अनदर टेबल, मतलब कि मेरा जो लुकअप जैसे लिस्ट है जहाँ पे वो डेटा बिल्डिंग इस्तेमाल करते हैं एक्सेल में, वो चीजें होती है कि आप अंदर ही कुछ टाइप कर देते हैं या फिर किसी सीट से आप उसकी रेफरेंस को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां हम जो है बात कर रहे हैं कि आई विल टाइप का सेट, अगर आप किसी टेबल से लेना है तो इसको लीजिए, तो मुझे टाइप करना है, तो फिलहाल मुझे टाइप करना है, आई विल टाइप पे क्लिक कर दिया। अब अपने लिस्ट को यहाँ हम टाइप करते जाते हैं, आप क्या करना है कि नहीं मारना है। ठीक है, उसके बाद सेल्स, उसके बाद आईटी, ऐसे हमने टाइप कर दिया नेक्स्ट एंड फिनिश। अब यहाँ से इसको सेव करते हैं, आप देखेंगे बाहर कि डेटा एंट्री करते समय फॉर्म के जरिए करें या नॉर्मल करें, मेरे पास मेरा ड्रॉप डाउन मिल जाए। ठीक है, तो टेबल में इस तरह की ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड अब बात आ गई कि मेरे पास ऑलरेडी टेबल है, उससे कर लें, वो तरीका भी है, उससे भी कर लेंगे हम। उसमें आगे डिपेंडेंट लिस्ट बॉक्स भी है, हमने सिटी सिलेक्ट किया, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसमें हमें सीक्वल वगैरह पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब चलिए इसमें हम और कुछ जानते हैं। तो लुकअप विजार्ड हमने इसमें कर लिया, बात करते हैं वैलिडेशन। सब एम्प्लॉय कोड लिया, एम्प्लॉय कोड की सिक्स किया हुआ है, ठीक है, आपने देखा कि मैंने तीन डिजिट भी डाल दिया तो मैंने एंट्री एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूं हम सिलेक्ट करते हैं इसमें ऑपरेटर लेन क्या करता है, ये एक्सेल में भी आपने दिखा था, लेंथ डिसाइड करता है, लेंथ निकालता है। ठीक है, और मैसेज यहाँ पे वैलिडेशन टेक्स्ट होता है कि मैसेज क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिख दूंगा कि प्लीज एंटर सिक्स डिजिट। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं। अब हम यहाँ पे डेटा पे आते हैं, अब मैं इसकी मान लीजिए क्या सर, ठीक है, इस तरह की वैलिडेशन की भी एंट्री हम लोग करते हैं।
अब जब तक इसमें मैं 6 डिजिट और नहीं डालूंगा तब तक मुझे इंट्री एक्सेप्ट नहीं, ठीक है सर? ठीक है सर। ये हो गया। पहले में आप फॉर्मूला और बाकी चीजें भी इसमें आप लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या क्या लगा सकते हैं, तो आप यहाँ पे बिल्ड में क्लिक करेंगे ना, ये आपके फंक्शन फंक्शन से इंडियन फंक्शन, ये सारे फॉर्मूले इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक डिफॉल्ट वैल्यू भी आता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा मंथ है, तो मंथ में चाहता हूं मैं टाइप करना कि डिफॉल्ट जो है उसमें सिलेक्ट शो होना चाहिए करेंट मंथ। तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला होता है मंथ नेम, मंथ नेम में हमने दे दिया मंथ में दे दिया डेट, ठीक है? ठीक है। एक और ब्राइट सर कीजिए, आपको आ रहा है ना में? यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग में सर टाइप कर दे जैन शायद तो भी जैन ही आएगा ये। आप यहाँ चेंज कर सकते हैं इसको, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो अक्टूबर दिखाएगा। ओके, बाय डिफॉल्ट अक्टूबर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नो, कोई नहीं।